शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। काका, आप कहाँ चली गई थी रानी साहब? पता है आपको, उस डाकिनी ने सबसे कह दिया कि आप महल और राजकुमार दोनों को छोड़कर भाग गई। आपको पता है काका, जब मैं रानी माँ से मिलने उस सुरंग के अंदर पहुंची, तब उस दुष्ट डाकिनी ने मुझे भी धोखा दिया और मुझे तालाब के पास ले जाकर जान से मारने की कोशिश की। वो तो अम्बे माँ की कृपा से मुझे किसी ने बचा लिया, वरना तुमने उस पर इतना भरोसा किया और वो डाकिनी तुम्हें विष देकर भाग गई। विश्वास तो हमें भी नहीं हो रहा है, पर पूरी प्रजा ने देखा है उस डाकिनी का असली रूप। और तो और, स्वयं को बचाने के लिए आपको मौत के मुंह में धकेल कर चली गई वो। अगर तुम उस महल में नहीं रहोगी तो हम भी उस महल में नहीं रहेंगे। सुनन, एक बात कहूं रानी साहब, मुझे नहीं लगता डाकिनी से जुड़ी किसी भी बात पर राजकुमार हमारा भरोसा करेंगे। बचपन से उसके झूठ को सच माना है उन्होंने, माँ का दर्जा देकर पूजा की है उस डाकिनी की। इस बात का तो मुझे भी भय है काका। भय तो इस बात का भी है कि वो डाकिनी फिर से आपकी जान लेने की कोशिश करेगी। कोई तो था, इसलिए जब तक आप उस डाकिनी का पर्दाफाश नहीं कर देते तब तक किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि आप जीवित हैं। तो फिर हमें कोई सटीक योजना बनानी होगी। आप जाइए यहाँ से जल्दी। मेरे आने तक राजकुमार का ख्याल रखना। जी। कोई था यहाँ? कौन? क्या कहना चाहते हो? ये गूंगा भी ना किसी काम का नहीं। ये मेरा बच्चा है। नहीं, मेरा बच्चा है। नहीं, तुम झूठ बोल रही हो, ये मेरा बच्चा है। मैंने कहा ना, मेरा बच्चा है, मैं नहीं दूंगी। ये मेरा बच्चा है। नहीं, ये मेरा बच्चा है। ये मेरा बच्चा है। मैंने कहा ना, नहीं दूंगी। मेरा बच्चा मुझे दे दो। नहीं, ये मेरा बच्चा है, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। अरे लड़के हो रही हो। भैया आप ही बताइए, इस बच्चे की असली माँ मैं लगती हूँ ना? मैं कौन होता हूँ बताने वाला? न्याय और निर्णय तो राजा करते हैं। आप दोनों राजा साहब के पास जाइए और अपनी अपनी समस्या बताइए। कौन सा राजा? हमारा कोई राजा नहीं है। और राजकुमार, उन्हें तो सही गलत परखने की क्षमता भी नहीं है। पर हमारे राजा साहब कितने सक्षम और गुणी थे, काश उनके बेटे भी उन्हीं की तरह होते। अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? नानी के घर भी उस दुष्ट डाकिनी ने पहरा लगा दिया है। हे अंबे मां, मेरी मदद करो।
मेरा बच्चा चाहिए, मेरा बच्चा मुझे दे दो। एक राजा के लिए अपनी प्रजा से अधिक महत्वपूर्ण और कुछ नहीं होना चाहिए। अगर राजा के लिए प्रजा से अधिक महत्व कुछ और रखता तो श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं कहलाते। ये बच्चा किसका है? इसका फैसला कल दरबार में होगा। दरबार? पर यहाँ ना तो कोई दरबार है ना तो कोई राजा, फिर इसका फैसला कौन करेगा? हम करेंगे फैसला। हमने वचन दिया था कि हर परिस्थिति में अपनी प्रजा का ध्यान रखेंगे। आज से आप सबकी फरियाद भी सुनी जाएगी और साथ ही और आपके इस अधिराज राजकुमार के द्वारा उचित निर्णय भी सुनाया जाएगा। राजकुमार अधिराज की जय! 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 यही तो चाहती थी हमारी सुनन कि हम भी अपने पिता की तरह महान राजा बने। दीदी उठो दीदी। तुम अब तक सो रही हो, तुम्हें डाकिनी से अपने स्वा का रक्षा करना है ना? अम्मा, ये सब तुम्हें कैसे पता? तुम यहाँ कैसे? मैं कहा नहीं हूँ, अच्छाई के हृदय में श्रद्धा बनकर, बुराई के हृदय में बह बनकर मैं हर जगह विद्यमान हूँ। पर ये बताओ, तुम उदास क्यों हो? मुझे बस अपने पति से मिलना है, उन्हें डाकिनी का सच बताना है ताकि वो सुरक्षित रह पाए। उनसे अधिक सुरक्षा की आवश्यकता तुम्हें है। मुझे अपनी कोई चिंता नहीं, मैं बस अपने पति को बचाना चाहती हूँ, पर मैं सफल ही नहीं हो पा रही हूँ। सफलता तो तुम्हें अवश्य मिलेगी, क्योंकि तुम्हारे अंदर सावित्री जैसी पतिव्रता नारी की शक्ति है और अन्याय के विरुद्ध लड़ने का साहस भी। फिर चिंता किस बात की? इस बात की कि मैं उस महल के अंदर कैसे जाऊँ, वो डाकिनी ने देख लिया तो। मैं एक हूँ पर मेरे रूप अनेक हैं। दुर्गा भी मैं हूँ, गौरी भी मैं हूँ, काली भी मैं हूँ, ब्रह्मचारी भी मैं हूँ। नवरात्रि में 9 अलग अलग रूप में मुझे पूछते हैं लोग, क्योंकि अलग अलग कार्यों को सिद्ध करने के लिए मुझे अलग अलग रूप धारण करने पड़ते हैं। माँ, मैं आपका संकेत समझ गई अंबे माँ।